हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। आज का हमारा प्लांट इन्हीं फूलों की तरह बहुत ही प्यारा सा छोटा सा है। ये फूल तो बड़े बड़े हैं, लेकिन वो प्लांट बहुत ही छोटा और डेलिकेट और नाजुक सा है। चलिए हम अपना प्लांट देखें। तो ये है मेरा प्लांट फ्रेंड, और आप देख के पहचान ही गए होंगे ये कौन सा प्लांट है। बहुत ही कॉमन सा प्लांट है, और इसको हर कोई जो है बेबी टीयर्स कहता है। और बेबी टीयर्स क्यों कहता है मुझे आज तक नहीं पता चला, क्योंकि इसमें कोई छोटे बच्चों के आंसू जैसे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता इस प्लांट में। और ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड कवर है, ग्राउंड कवर के लिए यूज़ किया जाता है, और बहुत ही आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता है। और मैं ये प्लांट फ्रेंड्स, मैं ये नर्सरी से जो है, मेरे नर्सरी वाले जो चचा, मेरी लोकल नर्सरी है नज़दीक, उनके पास से मैंने थोड़ी सी कटिंग्स मांगी थी, तो उन्होंने मुझे ये कटिंग्स दी थी, और ये मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं सब। ये भी पॉट मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। ये वाला बहुत बड़ा हो गया है, ये बाद में लगाई मैंने कटिंग्स, और भी मैंने दो जगह पे इसकी कटिंग्स लगाई हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले तो इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस हम तो इस प्लांट को जो है अपने गार्डन में इसकी खूबसूरती के लिए लगाते हैं एज ए ग्राउंड कवर, और क्योंकि ये जो कंटेनर गार्डनिंग के लिए, ये कंटेनर गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एज अ स्पिलर और अ फिलर। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, स्पिलर एंड फिलर, इन दो वर्ड्स का के लिए जो है ये प्लांट बहुत ही सूटेबल है। आप किसी भी कंटेनर को, बड़े से कंटेनर को ले लें, बहुत अलग अलग टाइप के उसके अंदर आप प्लांट्स लगाएं एक ही नेचर के, और जो बीच में जो जगह गैप रह जाती है उनको भरने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये बहुत ही अच्छी ग्रीनरी ऐड करता है, और साइड में जब जगह खाली हो जाती है तो आप इसको है ना एज अ ट्रेलिंग प्लांट, नीचे लटकने के लिए इस प्लांट को लगा सकते हैं। क्योंकि इवेंचुअली ये प्लांट जो है जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, लंबा होता है, ये नीचे जो है लटकने लग जाता है, तो बहुत अच्छी लुक देता है, बहुत ही कैस्केडिंग लुक देता है। तो इसी वजह से हम इस प्लांट को जो है अपने गार्डन में लगाते हैं। बस इतनी ही नॉलेज है हमारे पास। लेकिन मैं जब इसके बारे में सर्च कर रही थी तो मैं तो आज सरप्राइज हो गई। आज ही मैंने थोड़ी बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी एंड आई वॉज एस्टॉनिश, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँ। ये बहुत ही यू नो फ्रेंड्स एक मेडिसिनल प्लांट है, और इसमें बहुत क्या कहते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं इस प्लांट के अंदर। इस प्लांट का जो कॉम्पोजिशन है बहुत सारी बीमारियों को जो है ये क्योर कर सकता है। आप किसी हर्बलिस्ट के पास जाएं तो शायद आपको जो है वो इस प्लांट के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे देगा, क्योंकि मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं। मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च करी इस प्लांट के बारे में वो मैं बस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्लांट की इम्पोर्टेंस बताती हूँ। हम लोग तो सिर्फ इसे एज अ गार्डन हाउस प्लांट लगाते हैं, लेकिन इसकी महत्वपूर्णता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मेडिकल साइंस में एज अ नेचुरल हर्ब, मेडिसिनल हर्ब, वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा बहुत बताती हूँ, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं या कोई साइंस एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये पौधा यानी इस पौधे का हर पार्ट जो है एडिबल है, और दवाई बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इस प्लांट से आप कौन कौन सी बीमारियाँ यानी क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, वो मैं आपको गिनवाती हूँ। इससे डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी ट्रीट किया जाता है। अगर आप किसी हर्बलिस्ट के पास जाएं और अपनी प्रॉब्लम बताएं इन चारों में से, तो शायद वो जो है इस प्लांट का कोई भी यानी इस प्लांट से बनी हुई कोई भी मेडिसिन आपके इस ट्रीटमेंट में ज़रूर यूज़ करेगा। तो ये तो हो गए कुछ बीमारियां, और मैं आपको इसकी ख़ास बात बताऊँ, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है। अब इन तीनों चीज़ों के बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। अब चौथी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये एक डायूरेटिक जैसा भी यूज़ किया जाता है। डायूरेटिक क्या होता है मैं आपको ये एक सिंपल से वर्ड में बताती हूँ। डायूरेटिक वो पिल या दवाई होती है, इसे जो है आप वाटर पिल कह लें, जो दवाई खाने से हमारी बॉडी में से जो सॉल्ट्स होते हैं, जो सोडियम होता है ना, वो पानी के ज़रिए हमारी बॉडी से निकल जाता है, उसको एक्सक्रीट करने में ये डायूरेटिक खिलाया जाता है या आपको दिया जाता है। तो जो वो डायूरेटिक बनता है उसे बनाने में इस प्लांट का यूज़ किया जाता है, नेचुरल मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में। तो इन अ वे जो है इसे
ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो देखा मैंने आपको कितने सारे जो है इसके फायदे बता दिए, और हम लोगों को तो पता ही नहीं, हम तो सिर्फ बस इसे बेबी टीयर्स के नाम से जानते हैं और अपने घर में अपनी बगिया में इसे सजाने के लिए लगाते हैं। तो अब आपको इसके फायदे क्या है वो भी मालूम पड़ गए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसकी जो मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस है वो मैं आपको बताऊं। इसमें जो फेनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं पीलिया माइक्रोफाइला, इसके नाम, इसका जो बोटानिकल नेम है, इसका बोटानिकल नेम है पीलिया माइक्रोफाइला। तो वो जो फेनोलिक कंपाउंड्स हैं पाए जाते हैं इस प्लांट में, वो आपको जो है जो कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ, अगर कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है तो जो वो रेडिएशन से जो हमारी खराब सेल्स तो ट्रीट हो रही होती हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारी जो बॉडी की अच्छी सेल्स और टिश्यूज डैमेज हो जाती हैं उनको रिपेयर करने में ये प्लांट, इसमें से जो फेनोलिक एसिड मिलता है, जो कंपाउंड्स मिलते हैं, उस चीज से आप वो डैमेज रिपेयर कर सकते हैं। तो सोचिए आप, हम जो है इस प्लांट को इतना साधारण सा समझ के लेते हैं और बस यूं ही लगाते हैं, और इसके फायदे कितने हैं हमें तो पता ही नहीं था, मुझे तो नहीं पता था। एंड सर जी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अबाउट दिस प्लांट, आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही सीनियर सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो होप करती हूँ ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ वो मुझे करेक्ट कर सकें अगर मैं कहीं भी रॉन्ग हूँ। तो इतनी, यानी इतनी वैल्यू है इस प्लांट की, और हम लोग इसको कोई वैल्यू ही नहीं देते, जस्ट फॉर द ब्यूटी सेक हम इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाते हैं। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस, बस मुझे इस वीडियो में आज इतना ही शेयर करना था, और थोड़ी बहुत मैं आपको बता दूँ इसके कॉमन नेम्स ही बता देती हूँ। चलिए, मैंने आज कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कुछ ज़्यादा शेयर करने के लिए है भी नहीं, ये बहुत ही ईजी टू प्रोपोगेट करने वाला प्लांट है। चलिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे ही देती हूँ फ्रेंड्स। मैंने सोचा था सिर्फ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, लेकिन अब मैं इस वीडियो को पूरा ख़त्म ही कर देती हूँ। तो इसे तो हम बेबी टीयर्स के नाम से जानते हैं, लेकिन ये कोई बेबी टीयर्स है नहीं, बस किसी ने नाम रख दिया और ये नाम फैल गया बेबी टीयर्स। लेकिन अगर आप इस प्लांट को गूगल करने जाएंगे, सर्च करने जाएंगे, तो आपको सबसे पहले इसका नाम दिखाई देगा पीलिया माइक्रोफाइला। तो ये हो गया इसका बोटानिकल नेम, और जो इसके कॉमन नेम्स हैं, इसे जो है आर्टिलरी प्लांट, रॉक वीड या गन पाउडर प्लांट के नाम से जाना जाता है, और इसे ब्रिलहेंटीना भी इसका जो है कॉमन नेम, क्योंकि ये मेक्सिको और उस साइड का नेटिव है ये प्लांट, तो वहाँ पर जो है ये ब्रिलहेंटीना के नाम से जाना जाता है। और इसे जो है आर्टिलरी फर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक थोड़ा बहुत, मैं ये इसके लिए मैं सहमत हूँ कि ये थोड़ा बहुत जो है अगर आप दूर से देखेंगे तो एकदम से आपको लगेगा कि ये कोई फर्न का प्लांट है, तो इसे आर्टिलरी फर्न भी कहा जाता है, लेकिन ये फर्न की फैमिली को बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। ये थोड़ा बहुत नेचर में जो है हमारे सकुलेंट्स की तरह होता है, क्योंकि जो इनकी स्टेम्स होती है ना, ये बहुत ही, ये देखिए इसमें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और बहुत ही मॉइस्चर रिटेन करके रखती हैं, और इसके लीव्स बहुत ही नाजुक, कितने छोटे छोटे हैं, बारीक बारीक आप देख सकते हैं। तो एक इन अ वे जो है इसका नेचर थोड़ा सकुलेंट से मिलता जुलता है, तो इसको जो है ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। इसको अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, अगर इसके सॉइल में पानी रहा, ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन रहा, तो इसकी जो स्टेम्स हैं ये गलने लगती हैं, रूट रॉट होने लगता है, और आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है। तो इसको पानी बहुत ही कम, मिनिमल वाटरिंग चाहिए होती है। जब इसकी सॉइल पूरी तरह सूख जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करें, और सॉइल जो है इसकी वेल ड्रेन्ड ही बनाएं, सैंड की रेशियो ज़रा ज़्यादा रखें इसके अंदर। और मैं अगर इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसे जो है फिल्टर्ड लाइट पसंद है, इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखेंगे तो इसकी जो ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाजुक से पत्ते हैं वो झड़ने लग जाते हैं, या तो पीले पड़ने लग जाते हैं, पहले पीले पड़ेंगे और फिर वो झड़ जाएंगे, तो आपका प्लांट जो है इस तरह ख़राब हो सकता है। तो आप इसे ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे फिल्टर्ड सनलाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी मत रखिए। और इसे मिस्टिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके जो ये स्टेम्स है ना, ये सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम्स, इनके हर नोड पे जो है रूट आराम से निकल जाती हैं। अगर आप इसकी स्टेम्स तोड़ के पानी के अंदर रख देंगे ना, तो थोड़े दिनों में जो है इसमें रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, जैसे हमारे कोलियस के प्लांट्स होते हैं, बस उसी तरह इनकी भी स्टेम्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, फ्लैशी होती हैं, वाटर कंटेंट बहुत रहता है। तो इसे भी आप वाटर में रख के प्रोपोगेट कर सकते हैं, या तो आप इसकी स्टेम कटिंग्स लेके सॉइल में लगा दीजिए, तो भी इसमें बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है,
तो ये हो गया इसके प्रोपोगेट करने की बात। और आप इसे डिवीजन मेथड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी फैलता है और बहुत ही प्यारा सा प्लांट है और इसे ग्राउंड कवर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो आप इसे डिवीजन से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बस आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, वाटरिंग का ख्याल रखना है। और मैंने तो अभी तक इसमें कोई भी कीड़े लगते हुए कभी भी नहीं देखा फ्रेंड्स, बहुत ही पेस्ट फ्री काइंड ऑफ अ प्लांट है। बट आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो आप इसमें जो है 20-15 दिन में एक बार नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से इसे स्प्रे कर दिया करिए। और अगर आप कंटेनर गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको कंटेनर गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, तो आप इस प्लांट को, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, एज अ फिलर और अ स्पिलर आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एज अ स्पिलर और अ फिलर के लिए ये प्लांट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने छोटी छोटी और भी जगहों पे लगाए हुए हैं इसकी कटिंग्स, और बहुत अच्छे से चल रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस हैंगिंग बास्केट में भी लगाया हुआ है। ये देखिए, अब ये जो है स्पिल कर रहा है नीचे की तरफ, और देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ये तो मेरा सन के नीचे ही रखा है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। इस बास्केट के आड़े इसे इतनी धूप नहीं लगती। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2-3 प्लांट्स एक साथ लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये मेरा फाइकस, स्टारलाइट फाइकस का पॉट है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसके अंदर ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पॉट जो है स्पाइडर प्लांट का भी रखा हुआ है। और जो बाकी की जगह नीचे बची हुई है, उसमें आप देख सकते हैं मेरा वॉन्डरिंग जू भी है, और ये मेरा पीलिया माइक्रोफाइला, मुझे बेबी टीयर्स कहना है इसको, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये देखिए, ये प्लांट कितना प्यारा है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़रूर ऐसा ही लगेगा कि ये कोई फर्न की ही वेराइटी है। तो इस तरह जो है आप इस प्लांट को सजाने के तौर पे लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और मैंने आपको इसके इतने फ़ायदे, और वो भी इतने बड़े बड़े फ़ायदे बता दिए हैं। तो आप ज़रूर इस प्लांट को लेके आइए फ्रेंड्स, नर्सरी से लेके आइए या कहीं से भी इसकी कटिंग ले आइए और अपने घर में लगा दीजिए। और आगे जाके आई डोंट वॉन्ट किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप जो है इनकेस किसी को ऐसी कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो हुई तो आप इस प्लांट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड हर्बलिस्ट। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नई है आपके लिए भी शायद नई होगी। और आपको ये वीडियो और ये प्लांट के बारे में जानकारी जो भी मैंने आज बताई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।